कांग्रेस के नेता नाना पटोले हमेशा ही विपक्ष को लेकर किए गए बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए G20 के नाम पर सरकार द्वारा लूट करने की बात कही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नाना पटोले आए दिन विपक्ष को लेकर दिए गए बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में पत्रकार परिषद में उन्होंने बातचीत के दौरान भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार के लिए नए नए तरीके खोजती है। कुछ दिनों पहले हुए G20 समिट के दौरान जो सौंदर्यीकरण किया गया उसमें भी करोड़ों की निधि प्राप्त हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर लूट मार होने की उन्होंने बात कही। इस बीच उन्होंने थाना का उदाहरण दिया, जहां 450 करोड़ का सड़क पेंटिंग का टेंडर निकाला गया है, जो कि 50 से 100 करोड़ का काम होना चाहिए, उसके लिए इतनी बड़ी रकम पास की गई। पटोले ने कहा कि इस तरह से जनता का पैसा लूटकर उसी से मजा की जा रही, तो ऐसा प्रकरण महाराष्ट्र में चल रहा है, ऐसा पटोले का कहना है। तो उनका स्पॉन्सर की क्या गाज है, उनको तो पास अभी रोज, मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इन लोगों ने निकाले। G20 के नाम से पैसा खाए, जितना भी पेंटिंग वेंटिंग का उसका 1 रुपये का बिल साले को 500 रुपये कर दिए। अभी मैं थाना गया था, वहाँ पे शहर को पेंटिंग करने का काम चालू है, तो उसको 450 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला गया है। मुश्किल से 50-100 करोड़ का काम है। पैसे खाने के बहुत तरीके इन अलग अलग से, जनता का पैसा लूट कर उसी पैसे से मजा चल रही है। खोखे में खर्चा किया और बोकों में खरीद रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसा काम इस राज्य में चल रहा है। इसलिए जनता के ही पैसे के लूट ये चल रही है और उसी का नतीजा है और उसी आधार पे इनकी मौज मस्ती चल रही है। नागपुर से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसी के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।